तो अपन बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का एक क्वेश्चन आता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कोई सा भी दो आओ भले। तो फाइनली आपसे पूछेगा कि एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू क्या होगा, राइट है। जैसे स्क्वायर रूट तो उम्मीद है सबको पता है, जैसे अगर कल को 25 का निकालते हैं तो कितना आता है 5। इसका मतलब एक ये भी होता है कि कल को अगर मान लो आपको पेपर में पूछ ले और आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन मैं 5 और 5 को दो बार मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 25। तो अपन देखो निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन ले रहे हैं, अपने पास में क्वेश्चन है 8 + 6 आयोटा, इसका क्या निकालना है अपन को, स्क्वायर रूट निकालना है 8 + 6 आयोटा। तो मैं दो मेथड बताने वाला हूँ आपको, पहला देखिए आप बस मेथड क्या है, ये बेसिक है। सपोज कुछ ना कुछ तो आएगा तो a प्लस आयोटा बी इसका आंसर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। अच्छा रूट को हटाने का बढ़िया इलाज क्या है, दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया सब, तो यह बन गया 8 + 6 आयोटा, राइट है। और इधर क्या बनेगा a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर आता ही है अपन को, ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आता है क्या, राइट है यहाँ तक। तो 8 + 6 आयोटा अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है अभी बताया था, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो गया 2ab आयोटा, बीच में कौन सा साइन है इक्वल, तो जब भी बीच में इक्वल का साइन हो तो आप कंपेयर कर सकते हो रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, वास्तविक वास्तविक के साथ, काल्पनिक काल्पनिक के साथ। इधर वास्तविक भाई साहब कौन है 8, और इधर जिसके साथ में आयोटा नहीं है वो सब वास्तविक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस, और एक आयोटा के पड़ोसी कौन है उधर, और इधर कौन है 2ab, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो आप एक तरह से ये इसके कटिंग मारी ab, तो दो संख्याओं का मल्टीपल 3 हो जाए ऐसे नंबर सोचो, तो सोच लो 3 हो गया गुरु जी, या फिर आप चाहो तो 1 3 सोच लो, ठीक है। अब नहीं वो यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए, फिर दूसरी चीज वो यहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए, आपने जो नंबर सोचे ना उसका यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखो आप जैसे आपने 3 का स्क्वायर किया माइनस 1 का स्क्वायर किया तो 8 आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब फाइनली आपको पता चल गया ए तो कौन है 3 और बी कौन है 1, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आपको ए और बी तो चाहिए था क्योंकि अपनी बात हो गई इसका आंसर आएगा कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपको ए की वैल्यू चाहिए थी, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये आपका आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या मिला आपको 3 + आयोटा, राइट है भाई। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का इसका आंसर कितना मिल गया अपन को 3 + आयोटा। अब जैसे मान लो कल को कोई ऑप्शन होते हैं आपके पास ABCD, अच्छा खास बात क्या है, जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके आगे कौन कौन से साइन होंगे प्लस और माइनस का, तो ये प्लस माइनस पहला ऑप्शन होता है आपके पास सपोज 3 + आयोटा, तो आप इसी ऑप्शन से चेक कर लेते इसको दो बार मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 को दो बार मल्टीप्लाई करने से ये दिख जाता है अभी, तो दो बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 + आयोटा मल्टीप्लाई 3 + आयोटा, तो एक तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, या फिर मल्टीप्लाई बेसिक वाला कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो 9 आयोटा का स्क्वायर 6 आयोटा दिख गया क्या किसी बच्चे को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो कितना आ गया 8 + 6 आयोटा, क्वेश्चन दिख गया क्या, बिल्कुल दिख गया। तो एक तरीका तो ये है सिंपल सा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको डायरेक्टली आंसर तक पहुंचाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है साहब, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, प्लस माइनस तो आगे लगाना ही, अंडर रूट मोड जेड निकालना आता है, मोड जेड अपन को मॉडुलस निकालना आता है ना भाई, प्लस
अपन किसका निकाल रहे हैं, क्वेश्चन अपने पास x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं अपन, उसका फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे लिखना है अपन को x और अपॉन में 2, फिर यहाँ पे यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देना, आइटा जिंदा रहेगा। फिर मोड z अब की बार प्लस x और यहाँ माइनस x अपॉन 2, राइट है। और अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ भी कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। जैसे चेक करते हैं पिछला क्वेश्चन ही करते हैं, पिछला क्वेश्चन लिया था अपन ने 8 प्लस 6 आइटा, ये लिया था जिसका आंसर याद हो गया था आपको, प्लस माइनस कितना आंसर था 3 प्लस आइटा। चेक करते हैं इससे भी यही आता है क्या, तो प्लस माइनस अपनी जगह पे बताओ, मोड जेड कितना हो गया इसमें सीधा सीधा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये होता ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 10 आ गया, तो ये हो गया 10 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ 8 अपॉन में 2, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन आएगा आयोटा, ठीक गया। मोड जेड, मोड जेड का मतलब 10, 10 माइनस 8 दोनों, देखो वाई का कोई रोल नहीं है, सब जगह एक्स आ रहा है, और अपॉन में कितना 2, तो चेक करते हैं इसको, प्लस माइनस 10 और 8 18 हो गया, 18 को 2 से डिवाइड करो 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 10 में से 8 कम किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 का मतलब 1, या गया, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, राइट है। और एक तीसरी और ट्रिक, बट वो ऑप्शन से काम करेगी, ऑप्शन में देखो एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर, किसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस अगर एक्स आ रहा हो तो समझ लेना वही आंसर होगा। देखो एक्स मतलब 3, 3 का स्क्वायर, y मतलब 1, 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, मतलब x आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, तो ये हो गया अपनी तीसरी ट्रिक। तो आपके पास में तीन मेथड है, तीनों मेथड्स में से आप कोई से भी ओपन कर सकते हो, खेल सकते हो। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, एक और देखिए, 4 माइनस 3 आइटा, आइटा भी चलो आगे, प्लस माइनस मोड जेड कितना आ गया फटाक से बताओ, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 5 दिख गया क्या, तो यहाँ पे कौन आएगा 5 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों, ओनली माइनस, माइनस आएगा ना आइटा, मोड जेड की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में कितना 2, दिख गया यहाँ तक, प्लस माइनस ऊपर कितना 9, 9 मतलब 3, 3 रूट 2 जिंदा रहेगा ना रूट 2, तो माइनस आइटा 1 रूट 2, दिख गया यहाँ तक, प्लस माइनस रूट 2 एलसीएम ले लो 3 माइनस आइटा, ये आपका आंसर है। अब इस आंसर को आप ऑप्शन से, कहीं ना कहीं ऑप्शन में तो रहता है, ऑप्शन से चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर क्या मिलना चाहिए एक्स, तो 3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, ये तो लिखोगे माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर ही तो लिखोगे, तो बताओ 9 इधर 4 दिख गया क्या, 4 मतलब 4, इसका मतलब राइट है। तो कई तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप प्रैक्टिस करें, और कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें, तो इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, राइट है। अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है रूट आयोटा, क्या पूछा जाता है रूट आयोटा, सिंगल रूट आयोटा कई बार आ गया एग्ज़ाम में, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो बताओ एक्स की वैल्यू और वाई की 1, फटाक से बताओ दादा कितना आ गया 0 प्लस 1, 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस आयोटा, और 0 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 2, राइट है, तो ये हो गया प्लस माइनस, एक तरह से 1 अपॉन रूट 2 और आयोटा 1 अपॉन रूट 2,
बिल्कुल आप डायरेक्टली आंसर याद रख सकते हो, 1 plus iota upon root 2। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? आयोटा का। 1 plus iota upon root 2। क्लिक करिए। ओके, थैंक यू।